गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं चौथी डेमो क्लास। आप लोग ध्यान से देखिएगा और फिर विचार करिएगा कि आप लोगों के क्या राय हैं और क्या सुझाव हैं। ठीक है, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप लोग अपने विचारों को जरूर कमेंट करिएगा और क्लास समझ में आए तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करिएगा। आप लोगों ने पिछले 12 महीने से फ्री की क्लास देख लिया है। उम्मीद करते हैं जो हमारे पुराने मित्र हैं वो लोग डेमो क्लास जानते हैं, जो नए जुड़े हैं वो लोग डेमो क्लास देख लें। अब आपकी 23 नवंबर से क्लास जो है पेमेंट की हो गई है, जो कि आपको नाम मात्र का सिर्फ एक बार पेमेंट करना है। यूपी टेट, सी टेट, SSC, बैंक, रेलवे, RPF, CRPF, यूपी पुलिस, बिहार SI, DLED, BTC, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं छोटे मोटे, इन सब के लिए आप मैथ का कंप्लीट कोर्स मात्र ₹500 में प्राप्त कर सकते हैं। एक मजेदार तरीका, एक बेसिक तरीका। हम आपको मैथ पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें भेजा हुआ था, जो पूजा जी ने भेजा हुआ था, और ये DLED की छात्रा हैं जो कि पेड क्लास ज्वाइन कर चुकी हैं, और ये हमारे पड़ोसी जिले प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाली हैं। चलिए देखते हैं इनके सवाल को, और आप लोगों का इसी में डेमो क्लास भी हो जाएगा और इसी में आपका बोर्ड मास का रूल भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे 3 अंकों का LCM और HCF निकालना, जो कि आपकी DLED की परीक्षा में लेसन नंबर या चैप्टर नंबर तीसरा है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए। देखिए ये जो सवाल है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, पूजा सरोज, वो देख रहे होंगे क्लास को या फिर और भी जो लोग देख रहे हैं, ये बोर्ड मास रूल पर आधारित है जिसमें मिश्र भिन्न इंक्लूड है। देखिए मिश्र भिन्न क्या होती है, जैसे ही इस तरह का आप सवाल देखते हैं ये मिश्र भिन्न होती है। अगर हमने यहाँ पर लिखा, ध्यान दीजिएगा बेसिक चीज, अगर हमने यहां पर लिखा आपका 7/3 और एक भिन्न यहां पर लिखा 3/7, देखिए इनमें अंतर है। ये आपकी कौन सी भिन्न है, ये कौन सी भिन्न है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपकी भिन्न के कई प्रकार होते हैं। देखिए ये मिश्रित भिन्न होती है और आपकी ये शांत भिन्न और अशांत भिन्न, आपने देखा होगा शांत अशांत ना। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे भिन्न के प्रकार में आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देखिएगा। मतलब समझ गए होंगे इसे क्या बोलते हैं, भिन्न जो है ये, इसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ये कब स्थिति बनती है, ये स्थिति तब बनती है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 9/5, जब हर छोटा होता है अंश बड़ा होता है और इसे भाग किया जाए, ऐसे 9 में 5 से 5 एक कम 5 और ये आ गया 4, तो इस अवस्था में ये भिन्न इस तरह का बन जाता है। इस तरह का आपका भिन्न बनता है, कुछ भी बने। जैसे इस भिन्न को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक सही और ये, सॉरी एक सही मतलब एक सामने रहेगा और ये जो नीचे गया वो 4 और ये 5, एक सही 4/5, समझ में आया ना। यानी कि 9/5 को हम लिख सकते हैं एक सही 4/5, यानी 5 एकम 5 और 4 9, इसको हल करने पर फिर यही आ जाए। तो ये मिश्रित भिन्न जो दी गई है, इसको देख के डरना नहीं है बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है। इसमें कौन कौन सी मिश्रित भिन्न है पहले उसको हम सिंपल में बदल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को रूल वाइज चलना होगा। बोर्ड मास का रूल यहाँ पर मैं हल्के से डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या हल करते हैं, ब्रेकेट हल करते हैं, फिर ऑफ हल करते हैं यानी कि का, फिर डिवीजन मतलब भाग, उसके बाद मल्टीपल यानी गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। इसमें देखिए भाग का चिन्ह लगा है ये, और माइनस का घटाना का भी लगा है, भाग का चिन्ह एक बार फिर से लगा है, घटाना का लगा है, जोड़ का भी लगा है, इसमें गुणा का चिन्ह नहीं है। तो हम लोग बोर्ड मास रूल पे चलेंगे। इसके अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेकट हल करेंगे। ब्रेकट, तो ब्रेकट का भी रूल होता है, ब्रेकट हल करने का भी रूल होता है। सबसे पहले ये रेखा कोष्ठक हल होता है, उसके बाद ये छोटा कोष्ठक हल होता है, उसके बाद ये मंझला कोष्ठक हल होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता ना भाई, इसको अच्छे से बना देते हैं। देखिए ये, और सबसे लास्ट में आपका ये बड़ा कोष्ठक हल होता है। ये 4 प्रकार के कोष्ठक आपके होते हैं जो कि सीरियल वाइज हल होते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई चीज आता है तो सबसे पहले जो छोटा होता है उसको मिलता है भाई, फिर बड़े लोग को बाद में, तो बस वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक, तो इसमें कहीं है नहीं, छोटा कोष्ठक है ये, तो पहले इसको हल करेंगे। चलिए
ये इससे मिटाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब ये छोटा कोष्ठक यहाँ पे है, इसके पहले का जो जैसे है उसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे लिखा वैसे लिख लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये आपका जो भी लिखा है उसे वैसे का वैसे उतार लेना है, ठीक है? वहां तक उतार लेना है जहां तक आपका वो हल करने वाला भाग ना आ जाए। हमने यहां तक उतार लिया, यहां तक, ठीक है? अब हमें ये चीज हल करना है इस कोष्ठक के अंदर, इसको हम इधर कहीं हल करके लाके मान रख देंगे जिससे हमें आसानी हो। ध्यान दीजिएगा, ये जो कोष्ठक के अंदर लिखा है पूरा का पूरा, एक सही 3/4 माइनस 1/2 और धन 1/3, इसको हल करके लाके इधर रख देंगे। सिंपल सी बात है, एक सही 3/4 जो देख के लोगों को डर लगता है, ये 4 × 1 = 4 और 3 = 7, ये हो जाएगा क्या, 7/4। मतलब कि आप 7/4 इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 7/4 माइनस 1/2 प्लस 1/3। अब हम जानते हैं पहले जुड़ता है, तो ये प्लस वाली भिन्न है, ये प्लस वाली भिन्न है, दोनों प्लस प्लस जोड़ लेंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर इसको घटाएंगे। समझ में आई बात? हम इसको जोड़ेंगे इसमें, बीच वाले में कुछ नहीं करेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं दूसरी जगह, ध्यान दीजिएगा। 7/ ये मैं जो हल किया हूं इसको यहीं पर छोड़ देता हूं, मान रखूंगा तो बताऊंगा। इसको यहां पर मैं दोनों को जोड़ता हूं, 7/4 को 1/3 में। भिन्नों का जोड़ना सभी ने सीख लिया है, जिसको नहीं आता वो कमेंट करेगा, हम आपको भिन्न का जोड़ बताएंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21 और ये 4 × 1 = 4 और ये 4 × 3 = 12। इस तरह से ये हो गया 25/12। कितना आया? 25/12। अब आप 25/12 को क्या करेंगे भाई? यहीं पर रख देंगे इसको, 25/12 को कहाँ पर रख देंगे? अरे यहीं पर सिंपल में देखिए जो था, मैं उसको फिर से लिख देता हूँ, वही चीज लिखूंगा जो लिखा था आपका, 7/4 माइनस 1/2 प्लस 1/3, ये 25/12 आया। जोड़ने पर इसमें से 1/2 घटा दीजिए, देखिए समझाने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है, 1/2 घटाना है। अब आगे हल करेंगे, 25 का 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, 50 हो जाएगा ना। 25 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 12 × 1 = 12 और ये 12 × 2 = 24। जब आप 12 घटाएंगे 50 से, यानी कि 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 10 घटाएंगे तो 40 आएगा, 2 और घटाएंगे तो 38 आएगा, 38/ आ गया 24। कितना आया? 38/24। लेकिन इसको और हल कर लेते हैं, 2 से काट देंगे, 2 × 9 = 18 यानी 19 × 2 = 38, ये आ गया 12। कुल मिलाकर के हल करने पर सब कितना आया? 19/12 आया। यहाँ पर 19/12 हल कर देंगे, लाके रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा भाग हल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एक बार फिर से देख लें, 4 × 4 = 3 = 7/4 हो गया, हमने प्लस प्लस को जोड़ दिया तो 25/12 आ गया, 1/2 को ऐसे उतार दिया, 1/2 को घटाया, 25 × 2 = 50 और 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 50 से घटाया 12, 38 आया, 38/24, 38/24 2 से कट रहा है, 2 से काट दिया, 19/12। इतना समझ में आया? जिन लोगों को भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है उन लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आएगा। आप लोग भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लें, सबसे पहला वीडियो आपने चैनल पे देखा होगा, जिसको इस समय लगभग 5-6 लाख लोगों ने देखा हुआ है और 25,000 लोगों ने लाइक भी किया है, ठीक है? तो कितना आया था सब कुछ हल करने पर? 19/12 आया था। कितना आया था? 19/12। देखिए आपका छोटा कोष्ठक हल हो गया, खत्म हो गया, हल करके कितना है? 19/12। अब हम बात करेंगे मझला कोष्ठक की, इसके अंदर की चीजों को हल करेंगे, जो कि ये इतना है ना मझला कोष्ठक, अब इसको हल कर लेते हैं। क्या ये इतना हल करेंगे? इसके पहले जो है उसको ऐसे लिख लें, 7/11 और भागे ये हो गया, इसको चाहे सही बटा में कर लीजिए, सीधा सीधा 2 × 2 = 1 = 3/2 और माइनस इसको हल करिए, देखिए दूसरी जगह हल करके लाके मान रखूंगा। आपको चीजें समझाने में समय लग सकता है, इसलिए आप समय पर ना जाएं, ये हमारा सवाल है, इसे भाग करना है। अगर आपको भिन्नों का भाग नहीं आता है तो ये सवाल आपको नहीं आएगा। तो भिन्नों का भाग देखिए कैसे करते हैं, एक सवाल के अंदर इसमें कई सवाल हैं, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है। तो ये क्या करेंगे, 1/2 भाग करना होता है, तो भाग का चिन्ह हटा के लग जाता है गुणा का, और फिर ये भिन्न पलट जाती है, सिर नीचे पैर ऊपर, यानी कि 12 जो ऊपर था ये आ गया,
12 नीचे था ना भाई पहले, ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा है भाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये 12 ऊपर हो जाएगा और 19 कहाँ हो जाएगा, नीचे। अब आप इसे काट सकते हैं दो छंग 12, और इस तरह से 6/19 टोटल आ गया। कितना आया? 6/19। कहाँ पे आया? ये पूरी की जगह पे। कितना आया? 6/19। समझ में आया? हो गया ना? अब क्या करेंगे? अब बड़ा ब्रेकट हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भाग तो लगा है लेकिन पहले ब्रेकट, पहले ब्रेकट बाद में भाग। क्यों? ये होता ना बाबू, ये होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास पहले ब्रेकट बाद में ऑफ तब भाग। तो अब इसको हल करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत से लोगों के हमारे कमेंट आते हैं, हमारे सुभाष सर बोल रहे थे कंप्यूटर टीचर कि आप बार बार क्लास में भाई ना बोला करें, और हमारे समझ में नहीं आता है कि हम भाई ना बोलें तो क्या बोलें। देखिए इसको कैसे करेंगे, घटाना है 57। भाई पहाड़ा वगैरह तो आना चाहिए आप लोगों को, अगर टेबल नहीं आता तो हम नहीं याद करेंगे। ये 2 छंग 12, और ये हो गया 19 दूना 38। जब आप इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। जब आप 10 घटाएंगे तो 47 आएगा, 47 से 2 और घटा देंगे ये हो जाएगा 45, बटा हो जाएगा 38। एक सम संख्या एक विषम संख्या, उल्टा बोल रहा हूँ ना, ये सम ये विषम, तो ये किसी से कटेगा नहीं सम विषम, मतलब कि 45/38 ही टोटल इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा। ये 7/11 भागे ये आपका 45/38। बात समझ में आई ना? सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अपनी सब कुछ बोल सकते हैं, बिल्कुल आपकी क्लास है अपनी। तो अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, यही तो एक बचा अकेले, बाकी के तो सब हो गया, सबका काम क्लियर। देखिए हम चीजों को आपको विस्तृत बताने की कोशिश करते हैं जिससे आप कभी भूले ना, पढ़ाते नहीं आपको सिखाते हैं, तो चीजों को आप सीखें। डेमो क्लास पसंद आए तो व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन लिखकर भेजना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी लास्ट में मैं नंबर आपको दिखा दूंगा। अब ये 7/11, अब भाग का चिन्ह हट के क्या होता है? गुणा का लग जाता है, ये भाग का साइन है, और भिन्न पलट जाती है, ये पलट जाएगी, तो 45/38 की जगह पे क्या हो जाएगा? 38/45। काट दीजिए, कटेगा 7 से 45 कटेगा। देखिए ध्यान रहे, ऊपर ऊपर का नहीं कट सकता कभी भी, नीचे और नीचे का नहीं कट सकता, एक ऊपर का कटेगा एक नीचे का, चाहे जिधर से नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा। गुणा कर लीजिए, सिंपल में गुणा कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? ये 7 8 56 के 6 हासिल कितना आया? 5, और 7 3 21, 21 5, 21 में 5 जोड़ेंगे 26, 11 5 55, और 11 4 44, 44 5 49, 266/495। कितना आया? 266/495, ये आपका उत्तर हो गया। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा था, पूजा सरोज प्रतापगढ़ यूपी से, उम्मीद करते हैं वो समझ गई होंगी। और अब ज़्यादा समय नहीं है, ये सवाल काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन इसके पहले इनका एक सवाल और कर देते हैं, इन्होंने एक सवाल और भी पूछा था, आप लोगों की डेमो क्लास भी इसी में हो जाएगी, आप लोग काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। देखिए इसमें हमें ज़्यादा नहीं बताना है क्योंकि आपने बेसिक क्लास देख लिया। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, ये लगा है, उसके पहले तक हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो 2x माइनस का चिन्ह था माइनस, ये 3 माइनस, x माइनस 4x+5, और ये माइनस। देखिए रेखा कोष्ठक हल करेंगे तो कोष्ठक खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इतना कुछ है, इतना है ना भाई जो हल करना है, इतना है। रेखा कोष्ठक हट जाएगा तो ये हो जाएगा x+x-1, क्योंकि 1 घटेगा तो नहीं इसमें से कि घट के 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ऐसे बचेगा, और जब इस तरह से ये बचेगा तो ये जुड़ जाएगा, 2x-1 क्या आएगा? 2x-1, 2x-1 हो गया। क्लियर? आगे चले, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से छोटा कोष्ठक हल करेंगे। छोटा कोष्ठक कहाँ कहाँ है, एक तरफ से ढूंढ ढूंढ के हल करेंगे। तो 3 माइनस x-4x में 5 जोड़ेंगे, नहीं जुड़ेगा, ध्यान रहे कोष्ठक खुलेगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 4x-5 हो जाएगा, जो ये +5 था ना, कोष्ठक के पहले माइनस है, जब कोष्ठक खुलता है तो अंदर का चिन्ह माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस हो गया। अब ये माइनस ऐसे लिख लिया,
यहाँ पे कोष्ठक खुलेगा, 2x-5 1 है तो ये 2x+1 हो जाएगा, मतलब ब्रेकेट खुलने के बाद चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यहाँ पर आपका मझला कोष्ठक था लास्ट में, यहाँ पर भी आपका मझला कोष्ठक था। अब हम लोग मझला कोष्ठक हल करेंगे, माइनस का चिन्ह बीच में ध्यान रहे। तो 3 माइनस, देखिए माइनस का 4x माइनस का 2x जुड़ जाएगा और ये प्लस का x है, तो माइनस का 6x, x माइनस क्या हो जाएगा, ये 6x, x माइनस 6x, ध्यान दीजिएगा ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा फिर भाई, 6 से 1 जाएगा 5 आएगा, -5x आएगा, क्या आएगा -5x, ये हो जाएगा -5x, -5 और +1 ये हो जाएगा -4, क्योंकि घट जाएगा ना ये, ठीक है बात समझ में आई। अब कोष्ठक खोल दीजिए जो है आगे, नीचे दिख रहा कि नहीं, ये सवाल तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसका काम खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा ऊपर ही लगाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसके बाद इधर करेंगे, ये कोष्ठक खोल देंगे, अब कुछ नहीं बचा तो 2x- बड़ा कोष्ठक लगाए रहिए, सब मत खोलिए, 3 माइनस ध्यान रहे, पहले माइनस है ना, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पहले माइनस है तो कोष्ठक खुलने पे अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, -5x है ना, ये +5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो तो चिन्ह माइनस का रहेगा ही, ध्यान रहे ये माइनस है ना, अंदर में माइनस है तो ब्रेकेट खुलने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये जो +4 है -4 है ये भी क्या हो जाएगा आपका, +4 हो जाएगा, मतलब समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब क्या होगा, ये बड़ा कोष्ठक है, अब ये हो जाएगा 2x, ये दोनों ना जुड़ेगा ना घटेगा क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है, ये 4 और ये 3 जुड़ जाएगा, और इस तरह से आपका हो जाएगा ये 5x+7 हो जाएगा, ये बड़ा कोष्ठक है, तो ये 2x- अब कोष्ठक खुल जाएगा तो 5x-7, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि ये पहले माइनस था इसलिए क्या हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब आपका ये दोनों घट सकता है, इक्वल -3x- क्या आ जाएगा, 7 आपका उत्तर हो जाएगा, -3x-7, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में बस इतना ही, चलते चलते अगर आप लोगों को ये डेमो क्लास पसंद आई, आप लोग हर दिन की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं DLED, CTET, UPTET, ALT एग्जाम के लिए, आप गणित का कंप्लीट कोर्स पा सकते हैं, हमसे आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको JOIN ज्वाइन लिख करके भेजना है और आपको नाम मात्र का पेमेंट करके पेड क्लास को ज्वाइन करना है, जो कि आपको केवल एक बार पेमेंट करना है पूरे अपने कोर्स की गणित के लिए, सिर्फ एक बार, जो कि अवधि होगी 12 महीने की। अगर आप 30 तारीख के पहले पेमेंट करते हैं तो 30 नवंबर 2018 की, अगर आप बाद में पेमेंट करेंगे उसके तो आपकी अवधि होगी 3 महीने की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग उसे बार बार पूछ सकते हैं।